अस्सलामुअलैकुम, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको एक 4 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाना सिखाएंगे, जो कि डिफरेंट स्टाइल में और प्रिंट वाले ड्रेस पे है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े की लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमने ले ली है 26 इंचेस, और इस कपड़े की जो विड्थ है वो हम लेंगे तकरीबन 17 इंचेस। इसकी ऑलरेडी बन रही है और हम ये सारी की सारा जो घेरा है ये इसका ले लेंगे। उसके बाद हम ये इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको फोल्ड करके रख लेंगे। मैं इसका तीरा कट कर लूंगी। तीरा हम लेंगे तकरीबन इसका 5 इंचेस। 5 इंचेस इसके बाजू की कटिंग करेंगे। यहां से तकरीबन 12 इंचेस का निशान लगा लूंगी ऊपर से नीचे तक। इसकी चेस्ट की फिटिंग होगी 6.5 इंचेस। यहां से जो हमने 12 इंचेस का निशान लगाया था यहां पे इस तरह से निशान लगा लेंगे 4 इंचेस का। इसके बाद यहां से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, यहां से हमारी कटिंग होगी। इन दोनों निशानों को आपस में अटैच कर लेंगे इस तरह से। इसकी कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। यहां से तकरीबन 3 इंचेस अंदर वाली साइड पे इसकी मजीद कटिंग कर लेंगे। यहां से कटिंग करने के बाद फिर ये इसकी यहां से स्टेप बाय स्टेप चुनटे डल जाएंगी। अब इसका जो घेरा है वो कम है, इसीलिए हम मजीद इसका घेरा लेने के लिए इसके साथ जो है वो कपड़ा अटैच करेंगे। और यहां पर हम इसका कपड़ा लगाएंगे ताकि ये घेरा मजीद इसका ज्यादा हो जाए इस तरह से। आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी घेरा है वो रख सकते हैं। यहां से सबसे पहले हम इन दोनों कपड़ों को आपस में अटैच करेंगे और उसके बाद इसकी मजीद जो है वो चुंडे इसकी डालेंगे इस तरह से। बाजू की कटिंग कर लेते हैं। 8 इंचेस हम इसकी कपड़े की जो है वो विड्थ रखेंगे। यहां से ये हमारे बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। यहां से हम गोल नेक कट करेंगे। 2 इंच आप इसकी विड्थ रख लें, 2.5 इंचेस इस तरह से। और इसकी जो लेंथ आपने 3 इंचेस रखी है, विड्थ इसकी 2.5 इंचेस। यहां से हम इसकी गोलाई में कटिंग कर लेंगे। इसकी बैक साइड भी कट कर लेंगे और फ्रंट साइड भी। बैक साइड हमने कम रखी है। ये इसकी हमारी फ्रंट साइड होगी। इस तरह से बैक साइड पे तकरीबन 2 इंचेस का हम पीछे टसल्स रखेंगे।
कट करने के बाद यहाँ पे हम बटन वगैरह वाला यूज़ करेंगे ताकि गला जो है वो मज़ीद थोड़ा सा ओपन हो जाए। ये इसके बैक साइड है, बैक साइड हमने बना ली है। अब इसके कंधे जो हैं वो दोनों आपस में अटैच कर लेंगे। कंधे हमने अटैच कर लिए हैं, अब दरमियान में यहाँ पर हम ये कपड़ा लगाएंगे। यहाँ पे तकरीबन ये हमारा 1.5 इंचेस की चौड़ाई बन रही है। इसको हम सारा गले के इर्द गिर्द लगा लेंगे। ये हम सारे गले के इर्द गिर्द मैंने कपड़ा लगाया है। कपड़ा लगाने के बाद इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इसकी यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा के इसको सही से प्रेस कर लिया है। यहाँ पे इसके बाजू जो हैं वो भी अटैच कर लेंगे। बाजू अटैच करने के बाद ये हमने जो फिटिंग वाली जगह पे साइडों पे हमने कपड़े को कट किया था 3-3 इंचेस, इनको हम दोनों साइड पे चुंटे डाल लेंगे। इसकी चुंटे डाल के हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे दोनों साइड पे आप चुंटे डालेंगे, फ्रंट साइड पे भी शर्ट की और बैक साइड पे भी। चुंटे डालने के बाद इसकी फ्रंट और बैक साइड दोनों की, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला दोनों का हमने आपस में अटैच कर लिया है इस तरह से। ये देखें ये आ गया है। अब हम ये लेस लेंगे और जो जितने भी जॉइंट हिस्से हैं वहां पर हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए नीचे वाली साइड से हम शुरू करेंगे और ऊपर वाली साइड तक हम लगा कर आएंगे। लैस बिल्कुल सिंपल सी है और इसको लगाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल सा है। आपने बस सिंगल सिलाई लगाते जाना है और जब आप इसको आप जहाँ पे हमने फिटिंग की है, फिटिंग वाली हमने सिलाई लगाई है, वहाँ पर आप मोड़ लें और मोड़ने के बाद आप साइड पे इसको ले आएं चुंटों के ऊपर। ये हमारी ज्वाइंट लैस बन जाएगी और ज्वाइंट के ऊपर ये सीधी बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी। यहाँ जहाँ तक आपने लगानी है वहाँ तक लगाने के बाद कट कर लें। कट करने के बाद यहाँ से फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लें।
ये हमारी एक साइड पे लेस लग गई है, इसी तरह से आप दूसरी साइड से भी, दूसरी साइड पे भी लेस लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से ये हमारी लेस लग चुकी है, और दूसरी साइड पे भी बिल्कुल सेम इसी तरह से आप लेस लगाएंगे। और नीचे वाली साइड पे हम फ्रिल यूज़ करेंगे, सिंपल फ्रिल यूज़ करनी है हमने। तो ये हमारी फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं नीचे हमने फ्रिल लगाई है कपड़े की, तकरीबन 4-4 इंचेस की विड्थ रख के हमने ये फ्रिल लगाई है। बहुत ज़्यादा इस फ्रिल से ये फ्रॉक खूबसूरत लग रही है, और लेस से भी। आप इस तरह से अगर कलरफुल ड्रेस लेते हैं फ्लावर्स वाले, तो उसके उसको आप इस तरह से सिलाई करें बिल्कुल सिंपल नेक रखने के बाद, तो आप देख सकते हैं अगर आप इसको कंट्रास्ट में सिलाई करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल स्टिचिंग एंड कटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।